بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. सबसे पहले तो मैं बामियानी मस्जिद की बामियानी मस्जिद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये महफिल मुनक्कद है और उनकी वजह से अलामा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए और मैं तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से अलामा क़िबला डॉक्टर बयाम आज़मी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से हमें उनके इल्म से इस्तफादा हासिल होगा। चंद ऐलानात हैं जो मैं करना चाहूँगा जो मजलिस के बाद भी करूँगा, तो वो ये हैं कि कल की मजलिस ठीक 7 बजे आरकोला कम्युनिटी सेंटर में शुरू होगी और सबसे गुजारिश है अगर हो सके तो वक्त की पाबंदी करें। दूसरा ऐलान ये कि हमारे पास नियाज के सिलसिले में कुछ ओपनिंग मौजूद हैं, जो हजरात इस काम में हिस्सा लेना चाहें वो किबला शमसी साहब से जो है रब्ता करें। सलाह बढ़ जाऊँगा चंद शार पेश करूँगा, उसके बाद में गुजारिश करूँगा कि पढ़ें। ये जुबान काट दो जिस्मो जहाँ काट दो मिधत मुर्तजा की सजा दो मुझे, ये जुबान काट दो जिस्मो जहाँ काट दो मिधत मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं मैं, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, लेके हाथों में फिर उड़ा दो मुझे, ये जुबां काट दो जिस्मो जहां काट दो मिदत मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए तो लेके हाथों में अपने उड़ा दो मुझे, एक दो दिन ही नहीं शबे महशर तलक जहां जहां जिस तरफ वो हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा रहा या अली की सदा आएगी। मैं जनाब रिजवान जाकिर से गुजारिश करूंगा कि वो अली को पाता है बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातह है बजरो हुनैन कहते हैं, हसन को रूह मशरिक कहते हैं, वफा की आखिरी का नाम है आबाद, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है आबाद, कमाल फख्र रज़ा को हुसैन कहते हैं, बदरो हुनैन कहते हैं। सुगराने पहले शाह से मुजरा मेरा कहियो फिर का
माजरा कहियो कहा सुगरा ने पहले मेरा पापा जो है वो सिपते मत जाने दर है मेरा पापा जो है वो सिपते मत जाने दर है बहुत तू मेरी जानिब से ये कासिदा कहियो सुगरान पहले शासे जचा पासे कहियो ये नामी थी तुमसे चचा पासे कहियो ये नामी थी तुमसे मगर आगे सकीना के न कहियो तू जुदा कहियो कहा सुगरान पहले मेरा भाई अली अकबर जो हम शकिले पयंबर है मेरा भाई अली अकबर जो हम शकिले पयंबर है बहुत तू मेरी जानिब से नाने का गिला कहियो कहा सुबरान पहले अगर खैमे के दर तक घुटनियों सुबर निकल आए अगर खैमे के दर तक घुटनियों सुबर निकल आए उठा कर गोद में चूम के मेरी तू दुआ कहियो कहा सुगरान पहले शासे बका करजी मेरे बाबा को ना पढ़वा के रह जाना बका करजी मेरे बाबा को ना पढ़वा के रह जाना जबानी भी मेरा अहवाल खासे जरा कहियो कहा सुगरान पहले शासे उचेरा मेरा الرسول المصدق المحمود الأحمد
अबिल कासिम मोहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا من ملك ابي زمان الدرام ولا من قادر يقرا قرار سبسه पहले انا في خدمت میں ابھی تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پیش کیا बिछाया अपने वतन से हजारों मील दूर जिक्र हुसैन का परचम बुलंद किया है। इस सिलसिले में मैं अपनी गुफ्तगू इलाहाबाद में आपकी खिदमत में अपना वतन पेश कर दूँ कि मैं असल गुफ्तगू की तरफ आपके जहनों को मोड़ने की कोशिश करूँगा। मिल्लत है जिस्म जा है यही मजलिसे हुसैन मिल्लत है जिस्म जा है यही मजलिसे हुसैन मिल्लत है जिस्म जा है यही मजलिसे हुसैन इस कौम की ज़बां है यही मजलिसे हुसैन खालिक के तर्जुमा है यही मजलिसे हुसैन हम सब की पासबा है यही मजलिसे हुसैन दरबार और न मसनदे शाहाना चाहिए हम अहले दिल हैं हमको अज़ा खाना चाहिए हम अहले दिल हैं दरबार और ना मसनदे शाहाना चाहिए हम अहले दिल हैं हमको हजा खाना चाहिए क्यों इसलिए के गहवारा अपना जिक्र शहनशाह मशरक है गहवारा अपना जिक्र शहनशाह मशरक है मिलता है अपने दिल को इसी अंजुमन में चैन मिलता है अपने दिल को इसी अंजुमन में चैन गहवारा अपना जिक्र शहनशाह मशरकैन मिलता है अपने दिल को इसी अंजुमन में चैन मोमिन का असल घर है यही मजलिस मोमिन का असल घर है यही मजलिस हुसैन यानी यही पले हैं हमर बाबिश और हुसैन फर्शे अदाए शाह जमन लेके आए हैं हम अपने साथ अपना वतन ले आए घर में हम न अफगानिस्तानी हैं न पाकिस्तानी हैं न हिंदुस्तानी हैं न ईरानी हैं इस फर्श पर बैठ जाते हैं तो हम सिर्फ हुसैन और हमें मालूम है कि जितने हुसैनी जितने आजादाराने हुसैन हैं सब एक ही मिट्टी से बने हैं फाजिले तीनते अहले बैत से शियाने अहले बैत की तकलीफ लिहाजा हमारी फिक्र हमारा मिजाज हमारा अंदाज एक है तो अजीज आने के रामी इंशाल्लाह अशहदा आपने बिछाया है ये आपका काम था और उसे अदा खाने में तब्दील कर देना इमाम बारगाह की इमारत बना देना ये उस मालिक का उसने कहा है तुम मेरे रास्ते में एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं मेरी रहमत 10 कदम तुम्हारे आगे बढ़ूंगा इब्तदा करना हमारा काम है इंतहा करना उसका काम है वली जाने के नामी अब वहीं आ जाइए मैंने आयत की तिलावत की है कि वही है खुदाए कायनात मालिक कायनात जिसने हिदायत और दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा है किस लिए भेजा है
हर दीन पर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। खा यह बात मुश्किन को कितनी बुरी लगे, ये उस खालिक कायनात का ऐलान है कि जिसके कब्जे में ये सारी कायनात है, जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, जिसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जितनी कुव्वतें हैं सब उसकी कुव्वतें हैं। वो जिसको कवी कर दे वो कवी है, जिसको कमजोर कर दे वो कमजोर है, जिसको इज्जत दे दे वो साहिब इज्जत है, जिसे जलील कर दे वो जलील है। अगर वो किसी को साहिब इज्जत बना देता है तो उसकी इज्जत न कत्ल करके घटाई जा सकती है, न बेड़ियां बना के घटाई जा सकती है, न कैदी बना के कम की जा सकती है। जब वो इज्जत दे देता है तो अली जैसा खेतों में मजदूरी करने वाला दो शैतान पर पांव रखते आवाज देता है कि चाहो तो खुरगुरे अर्श की उड़िया जब जलील कर देता है तो यजीद जैसा बादशाह सर पे ताज रख के तख्त पर बैठ के फौजों का मालिक होने के बावजूद, लश्करों का मालिक होने के बावजूद जिल्लत की नाली का कीड़ा बन जाता है। इज्जत उसके बाद हाथ में है, जिल्लत उसके हाथ में है। तारीख जो गुजर चुकी है वो भी आपके सामने, आज जो तारीख बन रही है वो भी आपके सामने है। क्या जलाल था, कैसी हैबत थी सद्दाम की, मगर जब उसने रस्सी खींची तो चूहे की तरह से निकाला गया, और जिस तरह चूहे मार दिए जाते हैं उस तरह मार दिया गया, न उसका खानदान रह गया न उसका घर रह गया। आपके सामने अभी कद्दाफी कितनी बड़ी ताकत थी, कहते थे लोग कि इस खत्ते में सबसे बड़ी ताकत है, वो भी शायद ये समझता रहा होगा, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। और लम्हों में तख्त पर बैठने वाला जमीन पर नजर आने लगा, जिसे पता नहीं कफन मैसर हुआ कबूल मैसर हुई क्या नहीं। हम जिस मजलूम का जिक्र करने के लिए इकट्ठा होते हैं, 16 साल पहले इस्लाम को बचाने के लिए अपने घर वालों को लेकर निकला था, और आज तक उसके नाम से सारी फ़ज़ाए आलम गूंज रही है। मुहर्रम का चांद हो गया है, जहाँ भी आप जाएंगे हुसैन हुसैन की आवाज़ें सुनती हैं। इन आवाज़ों को कोई दबा नहीं सकता, इन आवाज़ों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। यानी कितनी हुकूमतें आई और उन्होंने चाहा कि इस आवाज़ का गला घूट दिया जाए, मगर वो हुकूमतें ख़त्म हो गई, आवाज़ अब भी जारी है। जाने कितनी सल्तनतें आईं, उन्होंने चाहा कि इस जिक्र को हमेशा से मिटा दिया जाए, हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, वो सल्तनतें मिट गई, वो जिक्र बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस जिक्र की हिफाजत की जमानत खुद अल्लाह ने दी है, हिफाजत की जमानत खुद अल्लाह ने दी है। अजीजाने ग्रामी, और लेना भी चाहिए उसको, इसलिए कि उसने इरशाद फरमाया कि फस्कुरूनी अस्करकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। यह आयत तमाम मुसलमानों को आवाज़ दे रही है कि अल्लाह को याद रखो। याद रखने का मतलब ये नहीं है कि जो नमाज में खड़े हों को याद कर ले, याद रखने का मतलब यह है कि मुसल्ले से उठ जाए तब भी वो याद रहे, मस्जिद से निकल आए तब भी वो याद रहे, फर्शे हुसैन से उड़ जाए तब भी वो याद रहे। सिर्फ फर्शे हुसैन पर आके हुसैनी बन जाना, मस्जिद में पहुंच के अल्लाह वाला बन जाना, ये इस्लाम का फलसफा नहीं है। नमाज तो एक ट्रेनिंग है, एक तरबियत है, जहां बंदा उसकी किबरियाई का ऐलान करता है, और जब किबरियाई का ऐलान करता है और समझ के उसकी किबरियाई का उसकी अजमत का ऐलान करता है, तो फिर उसके सामने दुनिया की कोई हकीकत नहीं रहती। वो न खुद बड़ा बनना चाहता है न किसी दूसरे को छोटा बनना चाहता है। जो अल्लाह की किबरियाई का इरफान हासिल कर लेगा वो ऐसा नहीं है कि वो खुद बड़ा बनने की कोशिश करेगा, नहीं। मस्जिद से निकलने के बाद
आप देख सकते हैं कि ये जो नमाजी निकल रहा है ये खुद बड़ा समझ रहा है अपने को या नहीं, या किसी के सामने सजदा कर रहा है या नहीं। अगर वो दूसरों से सजदा कराना चाहता है, सजदे का मतलब माथे आप टेकना ही नहीं है, सजदे का मतलब कि हमको बड़ा समझो, हमारे हाथ हाथ जोड़ के, हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, हमारे पीछे पीछे चलो, हमें सबसे बड़ा समझो। बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि इसकी नमाज कबूल हुई है या नहीं, इसने सही नमाज पढ़ी है या नहीं, या जब ये तकबीर की आवाज कह रहा था तो इसको महसूस हो रहा था अल्लाह की किबरियाई महसूस हो रही थी या नहीं। बहुत आसानी से अगर वो दूसरों से सजदा कराना चाहता है समझिए कि तकबीर का मतलब भी समझा है, अगर वो दूसरों के सामने सजदा करता है तो समझ लीजिए कि तकबीर का मतलब भी समझा है। और ये भी आप समझ लीजिए, याद रखिए कि जो दूसरों से सजदा कराना चाहता है अपने आगे वही दूसरों के आगे सजदा करता है, और जो दूसरों से सजदा कराना नहीं चाहता वो किसी के सामने सजदा नहीं करता। हजरत अबूज़र गफारी का नाम आपने सुना होगा, मामूली जिंदगी बसर करते थे। एक नौजवान ने कहा मेरा सामान घर पहुंचा दीजिए मेरे, उन्होंने कहा लाओ मेरे सर पर रख दो। रसूल के सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं कि रसूल ने कहा कि अबूज़र जैसा सच्चा इस जमीन के ऊपर कोई खड़ा नहीं हुआ है और इस आसमान के नीचे कोई पैदा नहीं हुआ है। सर पर रख लिया, उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने कहा कि आप अपनी मजदूरी बताओ। उन्होंने कहा हजरत अबूज़र ने कि मैंने मजदूरी के लिए तुम्हारा सामान तो नहीं उठाया है। कहा फिर क्यों उठाया? कहा इसलिए कि तुमने मुझसे कहा, मुसलमान ने एक सवाल किया एक मुसलमान से, मैं इस सवाल को पूरा कर सकता था, मैंने सामान तुम्हारा ला कर रख दिया। हालांकि तुम जवान हो मेरे मुकाबले में, मैं बूढ़ा हूँ, मगर मैं ये कर सकता हूँ काम। वही अबूज़र गफारी एक मामूली आदमी कहता है मेरा सामान पहुँचा दो, पहुँचा देते हैं, लेकिन जब हुकूमत के सामने जाते हैं और वो थैली उठा कर देता है, आप रसूल के सहाबी हैं, ये थैली आपके लिए है, तो डंडा लेकर दौड़ा लेते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मेरे सामने अशर्फियों की थैली पेश कर रहा है। तो अजीजा ने गिरामी, जिक्र जो है आदमी का किरदार बनाता है और आदमी को बड़ा बनाता है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करूंगा, यानी जो मुझे याद रखेगा मैं उसे याद रखूंगा। बंदा याद रखेगा कभी याद रखेगा कभी भूल जाएगा, अल्लाह याद रखेगा क्या भूल सकता है वो कभी, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊंघ नहीं आती। बंदा कभी याद करेगा कभी दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएगा, बाल बच्चे हैं, दोस्त अहबाब हैं, शादी ब्याह है, घर के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, कौम के मसाइल हैं। अल्लाह तो वो ज़ात है कि सारी आवाज़ें उस पर अलग अलग हो के उसकी खिदमत में पहुँचती हैं, उसे न नींद आती है न ऊंघ आती है, वो जब याद करेगा तो कभी भूलेगा नहीं। अब आइए हम और आप जिक्र अहले बैत की इब्तिदा कर रहे हैं, आज पहली मजलिस है यहाँ अशरे मुहर्रम की, तो आइए देखिए कि अल्लाह ने जो वादा किया है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तो तारीख में पता लगाएं हम कि सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला कौन था। तो जब हम तारीख को नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला खानदान रसूल है। खानदान रसूल का मुकाबला जिक्र इलाही में कोई नहीं कर सकता। वो खानदान है कि जिसने एक लम्हे के लिए जिक्र इलाही को रुकने नहीं दिया, फाके हो रहे हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, मुसीबतें पड़ रही हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, तीर बरस रहे हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, तलवारें चमक रही हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, घर लूट रहा है मगर जिक्र इलाही जारी है, लाशें आ रही हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, जख्म लग रहे हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, खून बह रहा है मगर जिक्र इलाही जारी है, चादरें छिल रही हैं मगर जिक्र इलाही जारी है, होश सूख चुके हैं मगर जिक्र इलाही नहीं रुक रहा, जबान प्यास से अड़ चुकी है मगर तकबीर की सदाएं रुक नहीं रही है। ऐसा जिक्र किसी ने किया हो तो बता दीजिए, किसी खानदान में हुआ हो तो बता दीजिए। गला कट रहा है जिक्र इलाही जारी है, नोके नैदा पर सर बुलंद हो गया जिक्र इलाही जारी है, जिक्र इलाही जारी है। तो
तो इस खानदान ने, इस खान वादे ने जिक्र इलाही के परचम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अब दुनिया की कोई ताकत इस परचम को झुका नहीं सकती। तो अल्लाह को अगर अपना वादा पूरा करना है तो वो क्या करना चाहिए? अहले बैत के जिक्र को अपने जिक्र के साथ फैलाना चाहिए, उसे अपने जिक्र की तरह फैलाना चाहिए। फास्कुरूनी अस्कुरकुम, तो अल्लाह ने वादा किया तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब हम देख रहे हैं मुहर्रम आ गया, आप कहीं से उठ जाइए, किसी शहर में चले जाइए जहां आपको मालूम भी ना हो कि यहाँ कुछ शिया है कि नहीं, लेकिन वहां भी आपको दो चार दिखाई दे जाएंगे, चार शिया भी हैं किसी के घर में, किसी के कमरे में, किसी के बेसमेंट में फर्श बिछाए हुए बैठे हुए हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। और ये जिक्र है क्या? ये जिक्र से खुद अपनी भी हिफाजत कर रहे हैं और इस्लाम को भी फैला रहे हैं। अपनी हिफाजत कैसे कर रहे हैं? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, आप लोग भी एक जमाने में मुश्तरका हिंदुस्तान के रहने वाले हूँ, और अफगानिस्तान भी एक जमाने में उसी खत्ते में जुड़ा हुआ था। हमारी फौज जब हिंदुस्तान में पहुंची तो 100 में 1 से ज्यादा नहीं थी, 100 में 1 से ज्यादा नहीं थी, 100 में 1 99 दूसरे हैं। उनकी जबान दूसरी है, उनकी तहजीब दूसरी है, उनके ख्यालात दूसरे हैं, उनका मिजाज दूसरा है, उनका खाना पीना दूसरा है। इस कौम को विराज हो जाना चाहिए था, उन कौमों में फना हो जाना चाहिए था। न जाने कितनी कौमें फना हो गई, हम फना नहीं हुए। जहां कहीं इकट्ठा हो जाते हैं शिया, ये कहां के हैं? पंजाब के हैं। ये कहां के हैं? सिंध के हैं। ये कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। ये कहां के हैं? बिहार के हैं। ये कहां के हैं? कर्नाटका के हैं। ये कहां के हैं? मद्रास के हैं। जब इकट्ठा बैठ गए तो लगता है सब अपने खानदान के हैं, और बीच में शमे गमे हुसैन चल रही है, और ऐसा लगता है ये परवाने हैं, जहां गमे हुसैन की शमा जली ये परवाने फजा में गुम रहते हैं, शमा जली नहीं कि सब दिखाई देने लगते हैं और टूट टूट के आते हैं और शमा के गिर्द घेरा डाल देते हैं। नारे हैदरी, हमें जिंदा रखा है, उसी ने हमें जिंदा रखा है, अब आप आगे बढ़िए। हम जिक्र कर रहे हैं अहले बैत का जिक्र हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्यों? हमने कोई वादा किया था अल्लाह से? किया था नहीं था? अल्लाह ने वादा किया था तुम्हारा जिक्र मैं बाकी रखूंगा, तो गोया अपना काम वो हमसे ले रहा है, अपना काम हमसे ले रहा है। सबसे पहले तो हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालिक तूने अपना वादा करने के लिए दुनिया की हजारों कौमों में से हमारी कौम का, एक छोटी सी कौम का इंतखाब किया है, वादा तो उसे पूरा करना था ना, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अहले बैत ने इस तरह जिक्र किया, इस तरह जिक्र अहले बैत का परचम बुलंद किया कि कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह को अहले बैत के जिक्र को बाकी रखना चाहिए, वादा है उसका और वो सादिकुल वाद है, वो सादिकुल वाद है, वादे के खिलाफ कभी नहीं करता, तो वादा उसने तो मालिक तेरा करम है, तूने हमारी एक कमजोर छोटी सी कौम का इंतकाब किया अपना वादा पूरा करने के लिए। ये ना समझिएगा कि हम अब कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर ये बात यकीन हमेशा दिल में रखिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ा काम हमें हमारे से पूर्ण किया है और हमारा इंतकाब किया है। जो हमारा इंतकाब किया है तो हम किसका काम कर रहे हैं? उस मालिक का काम कर रहे हैं। जब उस मालिक का काम कर रहे हैं तो जब तक उस मालिक का काम करते रहेंगे, याद रखिए दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। क्यों? अदल का तकाजा ये है, आप एक मजदूर लाइए काम करने के लिए, और आपका मजदूर आपके घर में काम कर रहा है और कोई बाहर का आदमी आके एक तमाशा मार के चला जाए कि आप बर्दाश्त करेंगे? आप कहेंगे नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये मेरा काम कर रहा है, मैं लाया हूँ इसको अपने काम के लिए, जब यहाँ से चला जाए मेरा काम छोड़कर तो तुम समझ लेना, यहाँ ये मेरी हिफाजत में है, यहाँ ये मेरी हिफाजत में है। तो हम किसका काम कर रहे हैं? अल्लाह का काम कर रहे हैं, यानी जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, यानी अल्लाह ने वादा किया है मैं तुम्हारा जिक्र बाकी रखूंगा, तुम्हारी याद बाकी रखूंगा, तुम्हें याद करता रहूंगा। तो हम काम किसका कर रहे हैं? अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो जब अल्लाह का काम कर रहे हैं, कोई हमें मिटाने के लिए उठेगा तो उसका जलाल खामोश बैठा रहेगा,
अली जाने के रानी, अगर ऐसा ना होता तो न जाने कब की हमारी ये कौम फना हो गई, न जाने कब की हमारी ये कौम फना हो गई होती। कभी अबी आगे बढ़े कि इन्हें मिटा दो, कभी अब्बासी आगे बढ़े कि इन्हें खत्म कर दो, कभी उस्मानी आगे बढ़े कि इनका नाम और निशान बाकी न रह जाए, कभी मुगल हुकूमत आगे बढ़ी कि इनसे जजिया वसूल करो और इन पर पाबंदी आयद कर दो, कभी खिलजी आए, कौन सी हुकूमत ऐसी थी कि जिसने मिटाना ना चाहा। तमाम लोगों की निगाहें, हमारे तमाम ताकतों की निगाहें कल भी हमारे ऊपर थी, आज भी हमारे ऊपर है। वो जानते हैं कि हम हर कौम से सजदा करा सकते हैं, इस कौम से नहीं करा सकते, इसलिए कि इस कौम के खून में करबला के जर्रात तैर रहे हैं, इस कौम के खून में करबला की हरारत बाकी है। इसीलिए सारी दुनिया कल भी हमारी दुश्मन थी, आज भी हमारी दुश्मन थी। तो जरा सोचिए, किसी इमरानियात के माहिर से, किसी तारीख के माहिर से आप पूछिए कि एक ऐसी छोटी सी कौम कि दुनिया की तमाम हुकूमतें, तमाम सल्तनतें, तमाम कुवतें, तमाम ताकतें उसे मिटा देना चाहती है, वो कितने दिन जिंदा रहेगी? तो वो यही कहेंगे, जब सब एक तरफ हो जाएगी सारी दुनिया तो बेचारी कौम, छोटी सी कौम कैसे बाकी रहेगी? मगर तारीख कहती है कि कौम बाकी ही नहीं है, अपने को मनवाती हुई चली आ रही है। इसका मतलब है कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहाँ से एक सवाल, पहली मजलिस इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आज भी शुरू की है कि इस्लाम का गलबा होके रहेगा, कैसे हो रहा गलबा होगा और गलबा हो रहा है इंशाल्लाह कल की मजलिस में। तो हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, जिक्र अहले बैत जब कर रहे हैं, जिक्र अहले बैत में बिना समझे कि नबी का जिक्र अलग है, नबी अहले बैत में शामिल है। अल बैत एक जगह है कुरान की इस्तेलाह में, उसमें कि मेहर के रहने वाले जो हैं उनको आयत ने जो बताया है वो मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं और हुसैन हैं और उनकी रुकियत है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि अलबैत का मतलब अल्लाह का घर है, यानी यही वो लोग हैं जो अल्लाह के घर के मुहाफिज, अल्लाह के घर के मुहाफिज। तो हम उनका जिक्र कर रहे हैं। एक बात यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम देखते हैं कि जिक्र इलाही और जिक्र अहले बैत दोनों चल रहे हैं साथ साथ, लाजिम मलजूम है, मगर एक बात हम देखते हैं कि जिक्र इलाही कभी कभी पीछे नजर आता है, जिक्र अहले बैत आगे नजर आता है। आपको नजर आता होगा मगर गौर करें तो आप भी कहेंगे, मसलन एक जगह कहीं नमाज की सब कायम होती है तो 10 जगह मजलिस का फर्श बिछ जाता है, होता है कि नहीं? एक कहीं मस्जिद बनती है तो 10 इमाम बारगाहें बन जाती है। हमने यही अमेरिका, यही कनाडा, यही यूरोप, यूरोप अपने मुल्क हिंदुस्तान में यही देखा है कि एक मस्जिद बनती है तो 10 इमाम बारगाहें बन जाती हैं, एक मजलिस होती है, एक नमाज कायम होती है तो 10 जगह फर्श अदा बिछ जाता है। मसलन 4 मरतबा नारे तकबीर की आवाज बुलंद होती है तो 14 मरतबा नारे हैदरी की आवाज बुलंद होती है, 14 मरतबा नारे हैदरी की आवाज बुलंद होती है। तो अहले बैत का जिक्र जो है वो जिक्र खुदा से आगे क्यों बढ़ रहा है, एक सवाल है, ये आगे क्यों हो गया, उसका सबब क्या है बताऊं। एक बात याद रखिए, जिक्र अहले बैत किसने कायम किया जमीन पर, जिक्र खुदा किसने कायम किया जमीन पर? अल्लाह ने। जिक्र अहले बैत अल्लाह ने कायम किया, और जिक्र इलाही किसने कायम किया जमीन पर? अहले बैत ने कायम किया। तो जिक्र खुदा कायम करना अहले बैत का काम, और जिक्र अहले बैत को कायम रखना ये अल्लाह का काम। तो अल्लाह के काम में और बंदे के काम में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? दुरूद को भेज दीजिए, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो जर्रा जर्रा वो जिक्र करेगा, पहाड़ों से कह दे वो जिक्र करने लगेगा, दरियाओं से कह दे वो जिक्र करने लगेगा, शजर से कह दे वो जिक्र करेगा, हजर से कह दे वो जिक्र करेगा। ये उसका करम है कि उसने हमारा इंतखाब किया, उसने हमारा इंतखाब किया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और तो वो
اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھنے کا ذمہ دار وہ ہے، اس کے حضرت کا تقاضا ہے، تو وہ اللہ کا کام، اب یہ بندے کا کام، تو بندے کا کام پیچھے ہونا ہی چاہیے اللہ کے کام کے مقابلے میں. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے، میری بارگاہ میں بھیجو گے، تو میں اسے دس گنا کر کے واپس کروں گا، میں اسے دس گنا واپس کر کے کروں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علی نے جتنے نعرے تکبیر لگائے ہیں اپنے گھر میں، اب اسے اللہ اگر دس گنا کر کے واپس کرے گا نعرے حیدری کی شکل میں، تو کتنا نعرے حیدری گوجے گا؟ درود بھی دیجئے محمد والا. بیان کی تکبیر کی صدائیں ہیں جو نعرہ حیدری بن کے سارے عالم میں پھیلتی جا رہی ہے، سارے عالم میں پھیلتی جا رہی ہے. مگر اب کیا، میں اپنے قوم سے اپنے بچوں سے یہ بھی کہتا چلوں کہ ذکر الہی اہل بیت نے برپا کیا، ضمانت لی، اور اپنے خون سے ذکر کو سینچ کے سدا بہار بنا دیا ذکر الہی، اور ذکر اہل بیت کو باقی رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر اہل بیت ہوگا، جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہاں ذکر خدا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر اہل بیت ہو اور ذکر خدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ ذکر اہل بیت ہو اور ذکر خدا نہ ہو. مگر ایک بات اور سمجھ لیجیے، ذکر خدا اہل بیت نے قائم کیا، تو ذکر خدا اہل بیت کو پسند ہے، اور ذکر اہل بیت اللہ نے قائم کیا، تو ذکر اہل بیت اللہ کو پسند ہے، ذکر اہل بیت اللہ کو پسند ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی پسند پوری کریں یا اہل بیت کی؟ سن لیجئے، امام حسین میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں، میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں آپ نے دعائے عرفات پڑھی ہے، تو ہم لوگ یوم عرفہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد حج نہیں کیا امام حسین نے، اور عمرے سے بدل کے سفر کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آیا رسول کا سلام کیا اور بیٹھ گیا. امام نے ایک خوشے انگور اٹھایا اور کسی برتن میں رکھ کے اس کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد سبحان اللہ، امام نے کوئی دوسری چیز تھی وہ اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دیا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری خدمت میں میری طرف سے ہدیہ ہے. اس نے کہا الحمدللہ. امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا خیمے میں جاؤ، ایک تھیلی رکھی ہے، جا کے دے دو. وہ تھیلی آ گئی ہوگی، سامنے رکھ دی گئی. اس نے جب دیکھا کہا اللہ اکبر. امام نے کہا پھر جاؤ خیمے میں، فلاں سامان رکھا ہوا لا کر. تو روایت کہتی ہے وہ ذکر الہی کر رہا ہے اور فرزند رسول اپنے دوسرے صحابی سے کہتے جا رہے ہیں خیمے میں جاؤ فلاں سامان لا کے رکھ دو، خیمے میں جاؤ فلاں سامان لا کے رکھ دو، خیمے میں جاؤ فلاں سامان لا کے رکھ دو. سامان کا ڈھیر ہو گیا اس کے آگے. جب ڈھیر ہو گیا تو اس نے اپنا رخ بدلا، کہا کیا کہنا آپ کا اور کیا کہنا آپ کے والد بزرگوار کا، نہ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال ہے، نہ آپ کے والد بزرگوار کی سخاوت کا کوئی جواب تھا. اب امام حسین نے ہاتھ روک لیا، امام حسین نے ہاتھ روک لیا، اس کو سارا سامان سمیٹا اور سمیٹ کے چلا گیا. جب چلا گیا تو دوسرے صحابی نے کہا فرزند رسول آج تو ہے کیسے پھیل رہا ہے، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید. کربلا کے بعد کیا ہوا تھا، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، چھاتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید، شبیر پھیلتے گئے کھٹتا گیا یزید، شبیر پھیلتے گئے کھٹتا گیا یزید، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، چھاتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید، شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید، اتنے ستارے بھی گئے شرخ مبین پر، جتنی امام بڑھ گئے ہیں زمین پر، یہ کون پھیلا رہا ہے، یہ اللہ پھیلا رہا ہے. اور اس ذکر میں جب ہم ذکر کرتے ہیں
तो बराबरान मिल्लत ये भी आप समझ लें कि अहले बैत का भी जिक्र होता है, खुदा का भी जिक्र होता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि अहले बैत का जिक्र हो और खुदा का जिक्र ना हो। और अहले बैत में हम पैगंबर इस्लाम का भी जिक्र करते हैं। इल्जाम रखने वाले तो हम पे रखते हैं, इल्जाम रखने वाले तो हम पे इल्जाम रखते हैं। क्या इल्जाम रखते हैं? ये साहब अली का जिक्र करते हैं, फातिमा जहरा का जिक्र करते हैं, इमाम हसन का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम का जिक्र नहीं करते। अली का जिक्र करते हैं, फातिमा का जिक्र करते हैं, हसनैन का जिक्र करते हैं, मगर पैगंबर का जिक्र नहीं करते। जबकि गौर कीजिए तो हम पैगंबर ही का जिक्र करते हैं, हम पैगंबर ही का जिक्र करते हैं। और पैगंबर के जिस्म के जरिए, पैगंबर की के जिक्र के जरिए हम तमाम अंबिया का जिक्र करते हैं। कैसे? अब आप यूं समझ लें कि फर्ज कीजिए मैं किसी के दरवाजे पर गया, देखा कि एक दरख्त है बड़ा, मैंने कहा भाई दरख्त बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा हाँ खूबसूरत है। मैंने कहा कि जरा इस दरख्त की तारीफ तो कीजिए। उसने कहा देखिए इसका फूल, इसके फूल कितने खूबसूरत हैं, कितने महकते हुए हैं, कितने शादाब हैं। मैंने कहा भाई फूल की तारीफ न कीजिए, दरख्त की तारीफ कीजिए। उन्होंने कहा साहब पत्तियां देखिए इसकी कितनी सरसब्ज और शादाब हैं। मैंने कहा पत्तों की तारीफ न कीजिए, दरख्त की तारीफ कीजिए। उन्होंने कहा शाखें देखिए कितनी सुजोल हैं। मैंने कहा शाखों की तारीफ न कीजिए, दरख्त की तारीफ कीजिए। तना देखिए कितना मजबूत है। मैंने कहा तने की तारीफ न कीजिए, दरख्त की तारीफ कीजिए। उन्होंने कहा जड़े देखिए कितनी गहराई में है। मैंने कहा जड़ों की तारीफ नहीं, दरख्त की तारीफ कीजिए। वो यही कहेंगे अजब अहमक आदमी हो, अगर फूलों की तारीफ न करूं, पत्तियों की तारीफ न करूं, शाखों की तारीफ न करूं, तने की तारीफ न करूं, जड़ों की तारीफ न करूं, तो दरख्त में बचेगा क्या कि जिसकी तारीफ की जाएगी। मैंने कहा हमारे साथ भी ऐसे ही इंसाफ कीजिए। अगर अली को अलग कर दें, फातिमा को अलग कर दें, हसन और हुसैन को अलग कर दें, तो किरदार पैगंबर में बचेगा क्या कि जिसकी तारीफ की जाए। दीजिए मोहम्मद ये सब मिल के शजर तैयबा बनते हैं। जब शजर तैयबा बनते हैं तो एक वहदत ऐसी कायम होती है कि जिसने इस पूरी वहदत पर निगाह नहीं रखी वो न दीन समझ सकता है न इस्लाम समझ सकता है, न दीन समझ सकता है। कहने के लिए लोग कहते रहते हैं, देखिए मैं शेर पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत है हर मजलिस में अपने शेर किसी दूसरे का नहीं। या ये मौका आ गया है सुना दूं, आपने सुना होगा, अब मेरे मुंह से सुन ले, मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ लोग जो अच्छी आवाज वाले हैं, मैंने जो शेर कहा है वो आपको तो मैं पेश कर रहा हूँ। एक साहब मुझसे बोले, एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है। यही तो एतराज है। एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र हैदर की बात है। तो मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे कि हाँ यही जौहर की बात है। तो मैंने किया जो दावत अव्वल का तस्करा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की। मैंने किया जो दावत अव्वल का तस्करा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने कहा जिहाद पैगंबर करूं बयां, खंदक का जिक्र है कहीं खैबर की बात है, तो घबरा के बोले और कोई तस्करा करो, इसमें तो साफ जख्म दावर की बात है, इसमें तो साफ जख्म दावर की बात है। तो मैंने सुनाया आए तथीर का नजूल, बोले के घर में रहने दो, ये घर बोले के घर में रहने दो, ये घर की बात है। तो मैंने नबी की बुत शकनी का किया जो जिक्र, ये कह के ये तो खाने दावर की बात है। तो कहने लगे कि दुखती हुई रंग न छेड़िए, पाए लियो दोषे पैगंबर की बात है। तो मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया, बोले के ये रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया जो जिक्र, बोले कि फिर कदीर के मिंबर की बात है। तो मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं,
احمد کی باپ باپ میں حیدر کی بات ہے, تو پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں, میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. یہ دس دن ہم نے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے, میں آج زیادہ وقت آپ کو نہیں دوں گا اس لیے کہ چاند رات ہے, تو ہم نے ذکر اہل بیت, ذکر الہی, ذکر رسول اور انہی کے ذریعے انہی ذکروں کے حوالے سے تمام انبیاء کا ذکر انشاءاللہ کریں گے, اس لیے کہ یہ دس دن ہمارے لیے تربیت کا ہے. معصوم آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس فرش بچھایا ہے, اسی لیے بچھایا ہے کہ جب دنیا کے طوفانوں میں مخالفت کے درمیان ہمیں زندگی گزارنی ہو کسی بھی ملک میں, کسی بھی خطے میں, کہیں بھی, تو یہ فرش ہماری حفاظت کرتا ہے. یہ دس دن کی کیمپنگ ہے, اس کا لحاظ رکھیے اور اس دس دن میں اپنی معلومات میں بھی اضافہ کیجیے, اپنے عمل میں بھی اضافہ کیجیے. ہمارے بزرگ چاند رات ہے, ہمارے بزرگ کہتے تھے, ہم چھوٹے سے تھے تو ہم سنتے تھے, بزرگ کہتے تھے آج چاند رات ہے. آج فاطمہ کا لال سفر میں ہے, پہلی تاریخ آتی تھی تو کہتے تھے اب حسینی قافلہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی ابو طالب تھے, سب ابو طالب کی اولاد تھی. یہ جتنے جان دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ سب ابو طالب کی اولاد تھے. بنی ہاشم اور بھی تھے جو مدینے میں تھے, یہ تو بنی عباس نے جب دیکھا کہ کربلا سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے سیاسی, تو کہنا شروع کیا کہ ہمارے بنی ہاشم 18 شہید ہو گئے, ہمارے بنی ہاشم. یہ نہیں کسی نے کہا کہ 18 کے 18 جو تھے یہ اولاد ابو طالب تھے, یا اولاد فاطمہ تھی, یا اولاد علی تھی. ابو طالب کا نام نہیں لیا, حضرت ابو طالب پہ الزام لگانے والے لگاتے ہیں, مگر یہ کہ کسی بھی تاریخ کے ولق کو لے لیجئے, حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال, یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال, پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جلال, تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال, بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں, میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں. ہر زمانے میں تیرے شمس و قمر, ہر زمانے میں تیرے لخت جگر کام آئے, بڑی ظلمت تو یہی شمس و قمر کام آئے, لال جعفر کے علی کے گلے تر کام آئے, ایک دن میں تیرے 18 قصر کام آئے. حوصلہ ٹوٹ گیا ناز ستم رانی کا, کیسا لہراتا ہے جھنڈا تیری قربانی کا. تو بس سوگواران مظلوم, یہ قافل حسینی وطن سے نکل رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ مدینے میں جو خبر پھیلی تو پھر مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آتی. وہ رات جس کی صبح کو حسین سفر کرنے والے تھے, گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب صبح ہوئی نماز کے بعد تو اہل مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئے. عورتیں جتنی تھیں مدینے کی وہ خانہ سیدہ میں آ گئی اور آئیں اور آ کے بیٹھ گئیں اور یہ کہا کہ ہم آپ کو الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں. مرد مسجد میں کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابو الفضل عباس آئے, علی اکبر کو آواز دی, قاسم کو آواز دی اور کہا کہ میں انہیں تیار کروں, سیدانیاں نکلنے والی ہیں, علی کی بیٹیاں سفر کرنے والی ہیں. بنی ہاشم کے نوجوانوں نے محملیں آراستہ کی, ہماریاں سجائیں, دروازے پر ہماریاں لا کے کھڑی کر دی گئیں. مرتبہ عباس نے آواز بلند کی, اہل مدینہ ذرا دور رہنا, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں سفر کرنے والی ہیں. راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا یہ 18 بنی ہاشم قطار بنا کے تو رویا قطار میں کھڑے ہو گئے دروازے کے سامنے, اس طرح مسند رکھ دی گئی, حسین مسند پہ آگے بیٹھ گئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ اس مسئلہ کا پردہ ہٹا, ایک خاتون نکلی, سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے, آہستہ آہستہ محمل کی طرف قدم بڑھایا, ایک نوجوان مجمع سے تڑک کے نکلا, آگے بڑھا, بی بی کے بازوؤں کو تھاما, گوشہ چادر سنبھالا, آگے بڑھا,
महफिल का पर्दा हटाया, बड़े एहतराम से उस खातून को सवार करा दिया। रावी ने अपने खड़े हुए किसी से पूछा कि भाई ये कौन बीबी थी? जवाब मिला, हाँ तुमने पहचाना नहीं, ये अली की बड़ी बहू उम्र फरमा थी, तुमने देखा नहीं? जवान लाल कासिम ने किस एहतराम से अपनी माँ को महफिल में सवार कराया है? रावी कहता है कि मैंने फिर देखा, इस मसरा का पर्दा हटा, एक खातून निकली, जैसे खातून निकली दो छोटे छोटे बच्चे तड़प के आगे बढ़े, एक ने दायना हाथ थामा, एक ने बाया हाथ थामा, महफिल तक ले गया। एहतराम से महफिल का पर्दा हटाया, नहलैन उतार के हाथों में ले ली, बीबी सवार हो गई। रावी ने पूछा कौन खातून थी? जवाब मिला, ये अकील की बहू थी, तुमने देखा नहीं? इनके दो बेटों ने अपनी माँ को किस एहतराम से सवार कराया है? रावी कहता है कि बीबी निकलती रही और कोई ना कोई मजरे से तड़प के निकलता था, बीबी का बाजू थाम लेता था, चादर संभाल लेता था, महफिल का पर्दा हटा देता था, एहतराम से सवार हो जाती थी। एक एक करके बीबियां सवार हो रही है। रावी ने देख कहता है कि मैंने देखा, एक मरतबा इस पर सलाह का पर्दा उठा, एक बीबी निकली सर झुकाए हुए, चादर ओढ़े हुए, मजमे से एक नौजवान तड़प के बाहर निकला, वो नौजवान की जिसकी शक्ल रसूल की शक्ल से मिल रही थी, जिसकी रफ्तार नबी की रफ्तार जैसी थी, तड़प के आगे बढ़ा, बीबी के बाथरूम को थामा, महफिल में ले जाकर सवार कर दिया। रावी ने पूछा भाई कौन बीबी? कहा अली की छोटी बहू लैला, तुमने देखा नहीं कि जवाहरलाल अली अकबर ने किस एहतराम से अपनी माँ को महफिल में सवार कराया है? रावी कहता मैं देखता रहा, बीबियां एक एक करके सवार होती रही, इंतहा ये है कि आखिर में एक बीबी निकली, और जब वो बीबी निकली तो खुद हुसैन उठे, हाथों को थामा, सवार कराया। रावी ने पूछा ये कौन बीबी है? जवाब मिला कि ये फिजा है, कनीज की कनीज फातिमा जहरा। देखा नहीं तुमने हुसैन ने इस एहतराम से फातिमा की कनीज को सवार कराया है? इसलिए कि फिजा ने हुसैन को मार की तरह पाला है, हुसैन की को माँ की तरह पाला है। बस अदादारा ने हुसैन से हुआ राजन रूप। आखिर में रावी कहता है, आखिर में ये आखिर में क्यों? इसलिए कि आखिर में इसलिए कि औरतें जैनब को छोड़ रही थी। जब जैनब उठती थी तो कभी ना कभी कोई बीवी तड़प के दामन खा लेती थी और रोना शुरू करती थी, अली की बेटी आप हमारी मुश्किल कुशा थी, कोई मुसीबत पड़ती थी हम आपसे आके कहते थे हमें भूल न जाइएगा। आखिर में औरतों ने कहा आपके हाथों को बोसा देना चाहते हैं, ऐसा कीजिए कि हम हल्का बना लेते हैं और आप उस हल्के से गुजर सकते हैं। इसलिए जैनब सबसे देर में निकली। मगर रावी कहता है कि जब आखिरी बार इसमें सरा का पर्दा उठा और बीबी निकली चादर ओढ़े हुए, तो एक मरतबा 18 के 18 बनी हाशिम बेकरार होकर दौड़ पड़े। किसी ने हाथ थाम लिया, किसी ने बाजू थाम लिया, किसी ने गोशा चादर संभाल लिया, किसी ने महफिल का पर्दा हटाया, किसी ने नालायक उतार के हाथों में ले ली, हुसैन पीछे पीछे आगे बढ़ गए, ये सब 18 के 18 एक साथ तड़प के बीबी के साथ पहुंच गए। आपने ये गौर किया, हर बीबी के साथ कोई एक जवान आगे बढ़ा सवार कराने के लिए, हर बीबी को कभी दो बच्चे आगे बढ़े सवार कराने के लिए। ये जैनब का जब मामला आया तो सब एक साथ क्यों तड़प के बेकरार होकर तड़प के दौड़ पड़े? वजह ये है कि जो बीबी आ जा रही थी, जो बनी हाशिम जा रहे थे, उनमें सब सबके लिए महरम नहीं थे। ऐसे लोग भी थे कि जो दूसरे के लिए ना महरम थे, जैसे उम्मे लैला है, हजरत अब्बास उम्मे लैला के लिए महरम नहीं थे। लेकिन जब जैनब निकली है तो 18 बनी हाशिम में क्या जैनब के लिए भी कोई ना महरम था? या जैनब के बेटे थे, या जैनब के भाई थे, या जैनब के भतीजे थे, या जैनब के भांजे थे, और इतनी ही बात नहीं है, जैनब ने सबको माँ की तरह पाला था। यही तो वजह है जब जैनब कहीं कदम बढ़ाती थी तो तनहा नहीं होती थी, महफिल में सवार हो गई, अब्बास ने आवाज दी, अहले मदीना जरा हट जाओ, अब काफिला हुसैनी आगे बढ़ रहा है, अली और फातिमा की बेटियां जा रही है। महफिल आगे बढ़ी, थोड़ा आगे बढ़ी थी कि एक मरतबा जैनब ने कहा मेरा नाका रोक दिया जाए, नाका रोक दिया गया।
आका रोक दिया गया, आवाज दी कोई अब्बास को खबर कर दे और कह दे कि ज़ैनब बुला रही है। अब्बास तक खबर पहुंची, तड़प के आए नाका ज़ैनब के सामने, नाका ज़ैनब के बराबर खड़े हो गए, हाथों को जोड़ लिया, तड़प के आवाज दी, शहजादी क्या क्या सफर के अहतमाम में कोई कोताही हो गई है, क्या पर्दे में कोई कमी हो गई है? फिर भी शहजादी अगर कोई कमी हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो तो गुलाम को माफ कर दीजिए। ज़ैनब ने महफिल का पर्दा खसकाया, चेहरा निकाला, हाथों को अब्बास के कांधे पर रखा, कहा मेरे भैया अब्बास, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया है, सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं एक वादा करूं, वादा। अब्बास ने कहा बहन शहजादी कैसा वादा? जवाब दिया ज़ैनब ने, भैया जिस शान से ले जा रहे हो वादा करो कि इसी शान से मदीने वापस लाओगे। हाँ यही तो वजह थी, जब काफिला लौट के आया उतरने से पहले ज़ैनब ने करबला का रुख किया, ए मेरे गैरतदार भैया अब्बास, ज़ैनब लौट के आई है, अगर मदीने की औरतों ने पूछा अली की बेटी बाजुओं पर ये निशान कैसे है, कलाइयों में ये जख्म कैसे है, तूने क्या जवाब दूंगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही तो सैयदी पढ़ने वाले हमारे पढ़ने वाले हमारे आसमान जो माले मरवी है जनाब सैयद आले जगह फरमा, पालने वाले जो मखलूल हैं उनका कर्ज अदा हो, जो बीमार हैं सैयद से जात के सदक़े में उन्हें शिफाए कुल्ली अदा फरमा, पालने वाले मेरी बेटियां मेरी बहनें जो इस मजलिस को समाअत फरमा रही हैं और इस फर्ज के सामने जो मोमिनीन बैठे हुए हैं उनके मफादात की निगरानी फरमा, उन्हें सच्चा हुसैनी बना दे, उन्हें सच्चा आज़ाद बना दे। पालने वाले हमारी इस कौम को इतना दीनी शऊर और दीनी किरदार अता कर दे, इस दियार गैर में दूसरी कौमों के दरमियान इस्लाम अहले बैत के तआरुफ़ का ज़रिया बन सकें, दूसरी कौमों को बता सकें कि इस्लाम को समझना है तो हमारे पास आओ। पढ़ने वाले जो कमजोरियाँ हमारे अंदर हैं हमारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल न होने पाए, मालिक हमारे घरों को हमारे अज़ाखानों को हमारे दिलों को अपनी याद और फिक्र अहले बैत से आबाद रख, बच्चे में इस्लाम को बुलंद कर, बच्चे में कुफ्र को सुलगू कर, वारिस हुसैन के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। मातम आज़ाद रहेंगे साए में सैयदा के, 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 आज़ाद रहेंगे। सुबहों का सवा नेज पे खुर्शीद कयामत, सुबहों का सवा नेज पे खुर्शीद कयामत, साए में सैयदा के आज़ाद रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ाद रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ाद रहेंगे। बढ़ता ही चला जाएगा शबीर का मातम, बढ़ता ही चला जाएगा शबीर का मातम, सारे जो हमेशा के अलमदार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ाद रहेंगे, साए
थे हम कब्र में सो जाएंगे जब बेखबरी से मातम के निशानों पर बेदार रहेंगे साए में सैयदा के आजादार रहेंगे साए में सैयदा के आजादार रहेंगे जन्नत में अगर माजिस शाबीर न होगी जन्नत में अगर माजिस शाबीर न होगी हम अहले अज़ाफ़ल से बेदार रहेंगे साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे ज़ैनब का खुले सैफर दरबार में जाना ज़ैनब का खुले सैफर दरबार में जाना सजा तो इसी तरह बीमार रहेंगे साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे जाना अगर हो में पैगंबर के शहर में आओ अदब से हैदर सफदर के शहर में आओ अदब से हैदर सफदर के शहर में इनकार से हुसैन ने ऐसी लगाई इनकार से हुसैन ने ऐसी लगाया इनकार से हुसैन ऐसी लगाया शोले उठे यजीद सितम के शहर में आओ अदब से शहर में आओ अदब से हैदर सफदर के शहर में आओ अदब से हैदर सफदर के शहर में आओ अदब से हैदर सफदर के शहर में आया और हो गया सदके हुसैन पर आया और हो गया सदके हुसैन पर कतरे की क्या बिसात समंदर के शहर में